मैं सपना नोड़ा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से लेकिन बहुत ही टेस्टी मार्केट जैसी सेजवान चटनी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस टेस्टी रेसिपी के लिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। शेजवान चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ये 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, जिसको मैंने डंडल निकाल के 4 से 5 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। आपको इंस्टेंट चटनी बनानी है तो इस जगह आप गर्म पानी में इसे 10 से 15 मिनट के लिए उबाल के ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हम ये भिगोई हुई कश्मीरी लाल मिर्च को डाल देंगे। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ली है। आपको तीखी चटनी पसंद है तो आप इस जगह 25 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च और 25 ग्राम बेड़गी मिर्च की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये 4 कलियां मैंने लहसुन की ले ली है। हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे हम मिक्सी में पेस्ट बना के ले लेंगे। लाल मिर्च की पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा आया है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसको मैंने गैस पे गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल। फ्लेवरलेस ऑयल लेना है आपको। तेल गरम हो गया है तो इसमें हम डालेंगे लहसुन 2 टेबलस्पून, ये बारीक कटा हुआ लहसुन है। शेजवान चटनी में लहसुन ज़्यादा ही लगता है इसलिए आपको 2 या 3 टेबलस्पून लहसुन की कलियां लेनी है। इसे हम अच्छे से सॉटे करके लेंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक, जिसको मैंने चॉपर में फाइन चॉप कर लिया है और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन और अदरक का कच्चापन निकल गया है और पेस्ट हमारी अच्छे से भून गई है तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हरी धनिया की डंडल और इसे भी हम भून के लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम ये कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट और इसे भी अच्छे से हम भून के लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी, जिसको मैंने ये मिक्सर के जो पॉट है उसमें से निकाल के ले लिया है। पानी डालने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका के लेना है। आप देख सकते हैं इसे उबाल आना शुरू हो गया है और पानी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे ये 3 टेबलस्पून टमाटो केचप, फिर इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, पिंच डालेंगे शुगर यानी चीनी और 1 टीस्पून डालेंगे हम नमक और इसमें वापस से डालेंगे ये 1/2 कप सनफ्लावर ऑयल। इसे हम वापस से 1 से 2 मिनट के लिए कुक करके देंगे। तेल डालने की वजह से ये अच्छे से कुक भी हो जाएगी और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और ये तेल की वजह से इसका प्रिजर्वेटिव का काम भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना मस्त ऐसे मार्केट जैसी ये चटनी लग रही है और कलर भी कितना अच्छा आया है। तेल की वजह से ये चटनी हमारी 1 से 2 महीने के लिए भी ये खराब नहीं होती है। और आपको इंस्टेंट चटनी बनानी है और ख़त्म करनी है
तो इसमें आप तेल 1/4 कप ही ले सकते हैं। तेल डालने के बाद आखिर में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ये सफ़ेद सिरका यानी वाइट विनेगर और इसको हम मिक्स करके लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद चटनी हमारी बिल्कुल भी तैयार है, तो इस स्टेज पर हम गैस को कर देते हैं बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी और मार्केट जैसी सेजवान चटनी। इसे आप कोई भी स्टार्टर, चाइनीज स्टार्टर या रोटी ब्रेड के साथ खा सकते हैं। तो बनाइए और सभी को खुश करिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।